कोरोना वायरस आज महामारी का रूप ले चुका है। दुनिया भर में देश इससे प्रभावित हो चुके हैं। दुनिया भर में आम से लेकर खास लोगों से बहुत कुछ छिन चुका है। चारों ओर इस महामारी ने त्राही त्राही मचा दी है, लेकिन इस त्रासदी का उजला हुआ पहलू भी सामने आया है। कई धार्मिक सामाजिक संगठनों के साथ पुलिस कर्मियों स्वास्थ्य कर्मियों ने जन सेवा की मिसाल पेश की है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में सरकारी हॉस्पिटल से ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ले चुके डॉक्टर रवि सराफ ने, जो इस विकट परिस्थितियों में जन सेवा में जुटे हैं, सरकारी हॉस्पिटल में सेवाएं देने के साथ साथ निजी रूप से भी क्लिनिक पर निःशुल्क इलाज कर रहे हैं। दुनिया में ईश्वर का दूसरा रूप समझे जाने वाले डॉक्टर्स आज महामारी के बीच अपने फर्जों को अंजाम दे रहे हैं। कैमरामैन नीतीश ठाकुर के साथ पवन कुशवा की रिपोर्ट। कोरोना कालखंड में जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे मरीजों के लिए ईश्वर तुल्य है डॉक्टर। इन्हीं डॉक्टरों में से एक है डॉक्टर रवि सराफ, जो निःशुल्क लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। आज हमारे साथ है डॉक्टर रवि सराफ, जो अपने अनुभव साझा करेंगे। सर गवर्नमेंट जॉब से आपने रिज़ाइन देने के बाद में निःशुल्क सेवा करने का मन बनाया है, कौन सी प्रेरणा से प्रेरित होकर सर आप ये निःशुल्क सेवा कर रहे हैं? एक्चुअली डॉक्टर जो चिकित्सा का जॉब होता है वो इसीलिए होता है कि एक्चुअली सेवा का ही एक काम कार्य होता है। और अभी जो ये एपिडेमिक जो पैंडेमिक आया हुआ है, इसमें तो और भी ज़रूरी है कि सारे डॉक्टर्स मिलकर मरीजों की सेवा करें, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में है, है ना। भले ही मैंने सरकारी जॉब से रिज़ाइन कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी जब ऐसी ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं सरकारी अस्पताल में जाकर निःशुल्क सेवा दी। क्या रहती है सर दिन भर की दिनचर्या? दिन भर की दिनचर्या में सुबह उठकर कुछ एक्सरसाइज योगासन, फिर अपना नाश्ता करके अपना सरकारी अस्पताल में जाना, मरीज़ों को देखना, और उसके बाद फिर बाकी कुछ हॉस्पिटल्स जो खुले हुए हैं वहाँ से कुछ कॉल्स आती हैं, जो हॉस्पिटल जो अलाउ किया हुआ है जहाँ पर दूसरे तरह के पेशेंट्स हैं वहाँ पेशेंट्स को देखना। सर शहर में अन्य जगह डॉक्टर सेवाएं नहीं दे रहे हैं, ऐसे में मरीज आपके पास आते हैं तो संतुष्ट होकर जाते हैं, तो कितना प्रभावित करता है उन लोगों का यहाँ आना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि शहर में डॉक्टर सेवाएं नहीं दे रहे हैं। एक्चुअली ये ऊपर से ही अपना प्रशासनिक निर्णय है कि जो प्राइवेट क्लिनिक हैं वो बन रखे जाएं, और जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें जाकर, जैसे बाकी सारे जो हॉस्पिटल्स को जो परमिशन दी हुई वो वहाँ पर डॉक्टर्स देख रहे हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स सेवाएं नहीं दे रहे हैं, दे रहे हैं। सर इस निर्णय से परिवार का कितना सपोर्ट है आपको? परिवार का पूरा सपोर्ट है मेरे साथ, जो मैंने ये निर्णय लिया कि मैं ये सेवा करूँगा तो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है कि हम तुम्हारे साथ। सर देश भर में हम देख रहे हैं कि डॉक्टरों के साथ कहीं ना कहीं असभ्य व्यवहार हो रहा है, कहीं ना कहीं मारपीट भी हो रही है, तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि आपका जो निःशुल्क सेवा देने का निर्णय है कहीं ना कहीं आपको दिक्कत देगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये तो इक्का दुक्का केसेस हैं, बाकी तो वो तो हर जगह ही ऐसे इक्का दुक्का केसेस रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस नहीं है, इक्का दुक्का ही केसेस हैं। तो ये तो खैर हर प्रोफेशन में ही है, कुछ ना कुछ चीज़ें तो ऐसी रहती है जिनसे अपने को निपटना पड़ता है। सर घर कब से नहीं गए आप? नहीं, अब पहले जब मैं वहाँ था गवर्नमेंट में, जब निःशुल्क सेवा दे रहा था, जब मैं OPD में ICU में और सारी जो वहाँ देख रहा था, उसके बाद मैं करीब 20-25 दिन दिया है, उसके बाद 14 दिन के लिए क्वारंटाइन था, ये टोटल करीब 1-1.5 महीना के करीब था, उसके बाद फिर हम अलग ही रहते थे। अब मैं घर आ चुका हूँ। आम जनता के लिए बस दो मेन चीज़ें हैं जो अपने को करना है। एक तो ये है जो बार बार बताया भी जा रहा है, सारे चैनल पे बताया जा रहा है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी बताया जा रहा है कि बार बार हाथ धोना है। लेकिन उसके बाद एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, कम से कम कोशिश करें कि आप अपने हाथों से अपने चेहरे को टच नहीं करें, चाहे वो आँखें हों, चाहे नाक हों, चाहे मुँह हों। इसमें आप जितनी सफलता प्राप्त कर लेंगे उससे आप उतनी अच्छे से बच पाएंगे, कि आपने हाथ कहीं पर भी टच हो जाते हैं, आप कितनी बार भी हाथ धो फिर भी टच हो जाते हैं, लेकिन अपना चेहरे को आप टच नहीं करें। चेहरे को जब तक कि हाथ अच्छे से धुले हुए नहीं हैं तब तक अपने चेहरे को टच ना करें। ये धीरे 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 कोशिश करने में ये चीज़ सफल, आप सफल हो जाएंगे। जब आप चेहरा को अगर टच नहीं करेंगे तो इस चीज़ से आप बिल्कुल बच जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।